भाई फाइनली 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 सलमान खान का मोस्ट अवेटेड रियलिटी शो बिग बॉस 18 शुरू हो चुका है। बिग बॉस को शुरू हुए अभी एक भी दिन पूरा नहीं हुआ और घर के अंदर लोगों ने लड़ाइयों में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया है। रजत दलाल जो कि जाने माने इन्फ्लुएंसर हैं और उन्हें आप कॉन्ट्रोवर्सी किंग भी कह सकते हैं, क्योंकि बिग बॉस में आने से पहले उनके साथ एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जिसके बाद उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। अब रजत दलाल जब बिग बॉस के घर में आ चुके हैं तो ऐसे में उनका पहले दिन पंगा हुआ है बड़ा, वो भी तेजिंदर बग्गा के साथ। जी हाँ, टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 18 का आगाज हो चुका है और शो की शुरुआत में ही दो लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। यूट्यूबर रजत दलाल और राजनीति के दुनिया से तेजिंदर पाल बग्गा ने भी एंट्री ली है। पहले ही दिन दोनों में तीखी बहस देखने को मिली जिसका लेटेस्ट प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल होते वीडियो में रजत दलाल तेजिंदर बग्गा बात करते नजर आ रहे हैं और बातों तो में बग्गा रजत दलाल को उनकी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में याद दिला देते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी कार से एक बाइक सवार को उड़ा दिया था। वायरल वीडियो में रजत दलाल पूछते हैं कि पूरे भारत ने वीडियो देखा, आपने बाइक गिरते देखी? इस पर तेजिंदर बग्गा बोले, हाँ गिरते देखा ना। ये सुनने के बाद रजत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बग्गा को काफी खरी खोटी सुनाने लगते हैं। रजत दलाल बोलते हैं, मैं ना गवार हूं और बहुत प्यार से बात करता हूं, प्यार से रहो। इसके जवाब में तेजिंदर भी कहते हैं कि ऐसा है सारे देश में चला कि एक बाइक गिरी। इसके बाद रजत दलाल कहते हैं कि यहाँ सब देख रहे हैं ना, बाकी इसलिए हिसाब से बात करो, दो मिनट में भूत बना दूंगा। जी हाँ, पहले ही दिन रजत दलाल और तेजिंदर सिंह बग्गा का पंगा हो गया, बड़ा लफड़ा हो गया और वो भी सिर्फ इस बात पर क्योंकि बग्गा ने रजत दलाल की वो जो कार वाली कॉन्ट्रोवर्सी थी उस पर बात कर ली। बिग बॉस 18 के ग्रैंड प्रीमियर में बिग बॉस ने चाहत पांडे को जेल की चाबी दी और कहा कि अगर वो किन्हीं दो मेंबर्स को किसी भी तरीके से जेल में जाने को राजी कर लेते हैं तो अगले आदेश तक जेल जाने तक बच जाएंगे। प्रोमो से साफ जाहिर है कि चाहत ने रजत और हेमा को जेल जाने के लिए मना लिया। बात करें रजत दलाल के बारे में तो सब जानते हैं कि जाने माने इन्फ्लुएंसर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर रजत दलाल अपनी कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर पहले ही ट्रोलर्स के निशाने पर रह चुके हैं। कार चलाते वक्त जिस तरीके से नेशनल हाईवे पर रजत दलाल ने एक बाइक सवार को उड़ा दिया, ना सिर्फ बाइक सवार को उड़ाया बल्कि उसको उड़ाने के बाद फिर भी गाड़ी भगाते हुए आगे लेकर जा रहे थे और ये भी कहते नजर आए थे कि यहाँ पर तो ये सब कुछ रोज़ होता है। और इसी वजह से रजत दलाल को बाकायदा सोशल मीडिया पर लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया था और इसके बाद उनकी शिकायत तक दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद लंबे टाइम तक फरार रहने के बाद रजत दलाल ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। अभी फिलहाल इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद रजत दलाल बिग बॉस के घर में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इतने बड़े कॉन्ट्रोवर्सी किंग बिग बॉस के घर में कितने दिन तक टिक पाते हैं। फिलहाल तो बग्गा ने जिस तरीके से रजत दलाल की कॉन्ट्रोवर्सी को नेशनल टीवी पर एक बार फिर से उठाया है, आपको क्या लगता है कि बग्गा ने यह सब कुछ ठीक किया? जो भी आपकी राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।